अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक दुनिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े आलम दीन की कब्र से यूरोपीय लड़की निकल आई। दोस्तों ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस वाक़े से आगाह करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। दोस्तों मुशाबियत एक हालत का नाम है जो इंसान पर तारीख होती है और मुशाबियत करने से जिसकी मुशाबियत की जाए उसकी ताजीम होती है। और दोस्तों अमूमी तौर पर ये नामुनासिब हालत है, इसमें शरीयत ने कुफार से मुशाबियत के मसले को काफ़ी अहमियत दी है, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है। मेरे दोस्तों इस वाक्य में सबसे अहम बात ये है कि आलम दीन की कब्र से क्यों यूरोपियन लड़की निकल आई, ऐसा किस वजह से हुआ, आज ऐसी बात की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त पहुंचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों वाकई हुआ कुछ यूं कि मक्का मुकर्रमा में एक आलमे दीन का इंतकाल हुआ, उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं और इस तरह कई कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन होते हैं, लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलमे दीन की कब्र खोली गई ताकि उस शख्स को भी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलमे दीन की मैयत के बजाय एक निहायत हसीन लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मूल की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी देर में सारे इलाके में फैल गई। फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए थे। तब वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान भी था। वो वहाँ हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और उसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। कुछ दिन बाद ही बीमार होकर मौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अब हैरत ये है कि उसकी मैयत यहाँ मक्का पहुँची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलमे दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उसने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिनों में वापस जा रहा हूँ, मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र को सही करके देखूंगा आखिर क्या मामला है। चुनाचे उनमें से एक शख्स उसके साथ भेज दिया गया। उस शख्स ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए, चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र खुलवाई तो हैरान हो गए, उस लड़की के ताबूत में उस आलमे दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची तो उस आलमे दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था, लेकिन आलमे दीन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी
जो उसके साथ ये मामला पेश आया तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, दीन दौलत से गुजार था और कुरान पाक को पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात हुई होगी कि जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो गया। उसकी बीवी ने गौर करके ये कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुसल वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर ये गुसल वाजिब नहीं है, हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है, हो सकता है इसी वजह से अल्लाह ने उसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया हो। ईसाइयों के तरीकों को वो बहुत पसंद करता था और इस्लामी अहकाम उसे ठीक नहीं लगते थे। इस वाक्य के हवाला जात ये हैं, जुमल नसियान सफा नंबर 2, मुआवजा अशरफिया जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 322। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्त इस वाक्य की सेहत से और इसके दिए हुए हवाला जात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जिस कौम में मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मैसूर होगा। बहवाला किताब सीरत रसूल खुदा जिल्द नंबर 1। मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपनी जुबान और अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एक गैर जिम्मेदारी से बोला गया लफ्ज भी हमें कहीं से कहीं पहुंचा दे, इसके बारे में हमें वो गुमान भी ना हो। मेरे दोस्तों, तमाम जहां में सिर्फ दीन इस्लाम को ही जाम कामिल और अकमल होने का शरफ हासिल है, दुनिया के किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी इंसान, हो सकता है किसी भी जुबान का हो, किसी भी नस्ल का हो, अगर वो अपने जिंदगी के बारे में, सोबे के बारे में रहनुमाई लेना चाहता हो तो उसके लिए इस्लामी रहनुमाई का सामान मौजूद है। अगर कोई इंसान इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम की रहनुमाई के मुताबिक अपनी जिंदगी को तरतीब देता है तो ऐसे शख्स को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मजदा सुनाया गया है, और उसके बरअक्स कोई मुसलमान अपने जिंदगी के मामूलात के सर अंजाम देने के इस्लामी अहकामात की तरफ देखने के बजाय इस्लाम दुश्मन लोगों की तरफ देखता है, देखकर उनके तौर तरीके को इख्तियार करता है। ये तौर तरीके शक्ल सूरत में हो, लिबास में हो, खाने में हो या सोने में हो, मामलात में हो या अखलाक में हो या किसी भी तरीके में हो, तो उस अमर को इस्लाम में सख्त नापसंद किया गया है। ऐसे शख्स की पुरजोर मजम्मत करते हुए उसकी हौसला शिकनी की गई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने साफ फैसला सुना दिया है कि जो शख्स दुनिया में किसी की मुशाबत इख्तियार करेगा कल कयामत में उसका हशर उसी शख्स के साथ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जिंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी काम में, किसी भी उम्रों में गैर मुस्लिमों का तरीका या मुशाबत इख्तियार ना करें। हमारी मुसलमानी का तकाजा भी यही है कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की सूरत और सीरत में मोहब्बत करते हुए हैं, उनकी मुबारक सुन्नतों को अपने जिंदगी में जगह देकर अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजार हो और उस खौफनाक दिन की रुसवाई से बचें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारा चैनल इस्लामी दुनिया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।